हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए सेम फली बनाने का बहुत ही आसान तरीका लेके आया हूँ। तो देखिए, यही वो सेम फली की सब्जी है जो आज हमने बनाया। तो इसमें हमने पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, इसको हमने बिल्कुल ड्राई सब्जी बनाया। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और आप इसको रोटी नान या चावल के साथ बिल्कुल ईजिली खा सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर लगेंगे चॉप कटे प्याज, चॉप कटे टोमेटो, उसी के साथ यहाँ पे देखिए हमने सेम फली को अच्छी तरीके से कट करके अच्छे से इसको क्लीन अनाउंस कर दिए हैं। इसी प्रकार से आपको इनको कट कर लेना है। इसके बाद हम कढ़ी के अंदर ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल। तो आप इसके जगह मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकते हो। अच्छी तरीके से ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे एक टीस्पून जीरा। जीरे को अच्छे से तिड़कने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप कटे प्याज। तो प्याज को आपको अच्छी तरीके से फाइन चॉप कर लेना है और इसको हम बिल्कुल गोल्डन टू ब्राउन होने तक पकने देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ी ग्रीन चिल्ली। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए, तो प्याज को हम सबसे पहले अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे प्याज बिल्कुल पक चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। अच्छी तरीके से उसको 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 बड़े चम्मच नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर पहले डालने से हमारे करी में काफ़ी अच्छा कलर आता है। अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ा फ्रेश कटा हरा धनिया, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप कटे टोमेटो। तो टोमेटो को भी आपको अच्छी तरीके से फाइन चॉप कर लेना है और इनको बिल्कुल हम गलने तक अच्छे से पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यहाँ पे देखिए हमारे टोमेटो पक चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए, तो मसालों को हम 1 मिनट तक पकने देंगे। देखिए, मसाला पकने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सेम फली और बिल्कुल हम इसको मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स, हम इस सब्जी में आज पानी का यूज नहीं करने वाले, तब भी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। देखिए, हम इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करने वाले हैं। हम इसको बिल्कुल सूखी ड्राई बनाने वाले हैं और बिल्कुल ये खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी रहेंगी। तो आप इसको थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हो तो लाल मिर्च पाउडर का आप इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज कर सकते हो। देखिए, तो हम इसको अभी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। देखिए, बिल्कुल मसाला आपका नीचे लगना ही चाहिए और ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम आपकी बिल्कुल मीडियम टू लो पी चाहिए। देखिए, इसी प्रकार से आपको इसको मिक्स करते रहना है। बिल्कुल नीचे लगना नहीं चाहिए और बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तो इसी प्रकार से हम इसको पकाने वाले हैं और देखिए इसी प्रकार से भूनते हुए हमको इसको 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसको और 5 से 10 मिनट पकने देंगे और ऊपर से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ा फ्रेश धनिया और अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसी प्रकार से आपको इसको भूनते हुए पका लेना है। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और देखिए यहाँ पे हमको इसमें और 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। इसके बाद हम इसको भी ढक के पकाने वाले हैं बिल्कुल 5 मिनट तक। और देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोल देंगे और देखिए ये हमारी सेम फली की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। अच्छी तरीके से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और ऊपर से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ा धनिया। और ये देखिए, ये हमारी सेम फली की मसालेदार सूखी टेस्टी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नए और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं हमारे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।